नंबर एक, सीनियर सिटीजंस के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे माँ बाप 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके रिटायरमेंट का कॉर्पस उन्हें मिल चुका है ग्रेच्युटी में, पीएफ में, या शायद किसी का देहांत हो गया है तो दूसरे पार्टनर को बहुत सारा लमसम अमाउंट मिला है इंश्योरेंस से, हाउ शुड दे थिंक अबाउट दैट इन्वेस्टिंग। एंड मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि सीनियर सिटीजंस के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम इज द सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एफडी के जैसे, ये रिवाइज होता रहता है और अभी ये रेट 8.2% है, जो कि बेस्ट एफडी इवन फॉर अ सीनियर सिटीजन से भी काफी अच्छा है, मोस्टली बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दो तीन चीजें इसमें समझनी जरूरी है। नंबर एक, इस सेविंग स्कीम में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। नंबर दो, मैच्योरिटी पीरियड या जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल है, तो 5 साल से पहले अगर आप ये पैसा चाहते हैं तो उस पर एक पेनल्टी लगेगी। हाँ, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 5 साल के बाद आप 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं बाय राइटिंग एन एप्लीकेशन। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल चाहते हैं, 1 साल से अंदर अंदर आपको 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो जो भी आपका कॉर्पस होगा उसका 1.5% आपको पेनल्टी लगेगी। 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें आपको ATC का टैक्स रिबेट मिलता है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से अंदर अंदर है तो आप उसका पूरा का पूरा ATC के अंदर क्लेम कर सकते हैं एंड डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। इन सब चीजों की वजह से इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर पेरेंट्स हु आर अबव द एज ऑफ 60, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज इन माय ओपिनियन द बेस्ट प्लेस टू बी। दूसरा, लड़कियों के लिए, तो अगर आपके पास एक या दो लड़कियां हैं एंड उनकी उम्र 10 साल से कम है, क्योंकि ये स्कीम जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, एंड बिलो द एज ऑफ 10, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, आप अपनी बेटी के लिए इस योजना के अंतर्गत एक अकाउंट खोलेंगे। उनकी उम्र जैसे कि मैंने बताया 10 साल से कम की होनी चाहिए। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो है वो आपको 8% मिलेगा, विच इज बेटर देन एनी अदर एफडी आउट देयर। मैच्योरिटी पीरियड इसका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इज 21 साल, या जब लड़की की शादी हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर। तो इनक्रेडिबल फायदे, नंबर एक, जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा, विच इज इनक्रेडिबल। नंबर दो, जो आप अमाउंट सबमिट करते रहेंगे हर साल, विच इज द इन्वेस्टमेंट यू मेकिंग, जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, उस पे भी आप ATC का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मतलब आपके खुद का टैक्स तो बचेगा ही एज द फादर और मदर इन्वेस्टिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड, जब लड़की को आफ्टर मैच्योरिटी पैसे मिलेंगे वो उनके लिए भी टैक्स फ्री होगा। इनक्रेडिबल। एक एडेड बेनिफिट है एजुकेशन नीड्स के लिए। एजुकेशन के लिए फॉर द गर्ल चाइल्ड आप 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ एडमिशन का प्रूफ सबमिट करना है एंड दिस विल नॉट कम एट एनी पेनल्टी। तो अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है और आपके पास एक लड़की है, देन दिस इज द बेस्ट स्कीम अंडर द गवर्नमेंट दैट आई वुड रेकमेंड। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की तरफ, जिनके पास शायद अभी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स नहीं है, शायद बेटी नहीं है या बच्चे ही नहीं है, हाउ शुड दे थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग अंडर अ गवर्नमेंट स्कीम। पहला ऑप्शन, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या NSC। NSC को एक तरीके की FD मान लीजिए। अभी का रेट 7.7% है, जो कि सीनियर सिटीजन की FD से भी काफी हाई है। द डिफरेंस इज इसमें एक लॉक इन है, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, सो यू विल हैव टू गेट द अमाउंट ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। ये अच्छी चीज है कि आप इसके इन्वेस्टमेंट पे ATC का टैक्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सॉवरेन बैक्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड है, इसीलिए इट इज वेरी वेरी गारंटीड एंड स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई रेकमेंडेड अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इन एडिशन टू योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स या कहीं और। दूसरा ऑप्शन है PPF, which is Public Provident Fund. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका एक EPF या Employee Provident Fund, Employee Provident Fund already चल रहा है। That will be taken care of by the employer and also by you, जो दोनों की contribution आती है। PPF उसके over and above बना सकते हैं। Just like EPF, PPF का भी एक fixed rate of return है, जो कि हर टाइमली बेसिस पे रिवाइज होता रहता है। अभी के टाइम पे 7.1%। द बिग डिफरेंस इज कि इसकी मैच्योरिटी 15 साल है। सो थिंक ऑफ द PPF एज ऑलमोस्ट लाइक अ रिटायरमेंट फंड। तो जैसे आपका EPF है, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब आप कंपनी छोड़ रहे हो या whatever, लेकिन PPF आपको 15 साल तक रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट यू कैन एक्सटेंड इट बाय ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स। सो
द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट कि यार मेरा हर महीने हर साल कुछ ना कुछ रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है एंड आई विल देन गेट दैट रिटायरमेंट कॉर्पस 15-20-25 साल बाद, व्हाटएवर इज द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आई हैव चोज़न। छठे साल के बाद आप पार्शियली विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। बेस्ट चीज अबाउट द PPF, आपको 80C का टैक्स क्लेम बेनिफिट मिलता है, तो जितनी भी आपकी सालाना इन्वेस्टमेंट होगी उस पर आपका टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन आ जाएगा एंड जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, इट इज कंप्लीटली 100% योर्स। तो ये है कि PPF में अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन टैक्स रेट को अगर आप मद्देनजर रखेंगे देन आई फील इट इज अ बेटर ऑप्शन इफ वो 15 साल का लॉक इन आपके लिए काम करेगा। अब आते हैं यंग प्रोफेशनल्स की तरफ, वो लोग जिन्होंने हाल ही में अपना करियर स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत क्रिप्टो में भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सेफ भी खेलना चाहिए। अब FD तो उनके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि FD तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मनी। तो अगर आप सेफली कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर यंग प्रोफेशनल्स? नंबर एक, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम को आप एक तरीके का एक मिक्स्ड म्यूचुअल फंड मान लीजिए, जहां कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा एंड आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डेट और कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम इक्विटीज में आप 75% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5% अदर एसेट्स में जाएगा और फिर 20% बॉन्ड्स में या फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में जाएगा। अब उसी के चलते आपके रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं, विच इज वाई ये थोड़े रिस्कियर ऑप्शन है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, बट देयर इज ऑल्सो रिस्क इन्वॉल्व क्योंकि इक्विटीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो अगर आप फर्ज करिए 75% इक्विटीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि मैक्स है अंडर द NPS, तो रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का लगा लीजिए 13-15% आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बॉन्ड के साथ वेटेड एवरेज करके आपको शायद 10-11% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, नाम में लिखा है नेशनल पेंशन स्कीम, ये आपको रिटायरमेंट की एज पे मिलेगा 60 years ऑफ एज पे एंड उसपे दो स्प्लिट होंगे, 60% जितना भी आपका पैसा बना होगा दैट यू विल गेट इन लमसम, तो आपको वो 60% इन हैंड मिलेगा क्योंकि उस समय पे आपकी टेक्निकली इनकम बंद हो चुकी है, तो एक तरीके का लमसम अमाउंट आपकी जिंदगी को संवारने के लिए या संभालने के लिए। एंड देन 40% जो है वो आपको एनुअली बेस पे ऑलमोस्ट लाइक अ मंथली सैलरी या पेंशन के रूप में मिलेगा। नाउ दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, इट्स पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को ये सब चीजें नहीं मिलती है एंड ऑफ कोर्स जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे उस दिन आपके इनकम भी बंद। सो NPS इंश्योर्स कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी परपेचुटी इनकम बनी रहेगी विच कम्स फ्रॉम द 40% रिमेनिंग अमाउंट जो आपके कॉर्पस में जमा होगा। जो 60% आपको लमसम मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देगा विच इज ग्रेट, जो 40% आपको मंथली इनकम मिलने लगेगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लिप। एक चीज अच्छी है कि जितना भी आप NPS में इन्वेस्ट करेंगे हर साल 80C का बेनिफिट उसको मिलेगा, तो वो आप अपने टैक्स में डिडक्ट कर सकते हैं एंड एडिशनल 50,000 रुपए का बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD। सो व्हाई आई लाइक दिस स्कीम इज एट अ वेरी यंग एज ये आपको एक डिसिप्लिन में बिठा देता है फॉर समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग एंड आई लाइक दैट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आप करेंगे ना और अगर आप 10-12% भी ऑन एन एवरेज हर साल कमाएंगे then over a 30 to 40 year period which will be your working period you cannot even imagine the corpus and the multiplier you'll be sitting on and kyunki ye inflation ko beat kar raha hoga aapka net value jo hoga paise ka wo badhta hi rahega on an average by about 4-5%। highly recommend if you are slightly conservative, you don't want to take a lot of risk and you also want the security of a government backed scheme। एंड दूसरा ऑप्शन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। भारतीयों को सोने से बड़ा प्यार है, लेकिन हम अक्सर जब सोने में इन्वेस्ट करते हैं हम ज्वेलरी खरीद बैठते हैं क्योंकि हमें लगता है यार ज्वेलरी यूज भी हो जाएगी सोने का सोना भी बन जाएगा, बट दैट्स नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी जब आप लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस देनी पड़ती हैं, आप उसको हमेशा किसी तरीके से यूज ही करना चाहते हैं तो वो एसेट तो है नहीं, कहीं पैसे तो नहीं कमा रहा आपके लिए। अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग is to buy digital gold and the best way in my opinion to buy digital gold is
SGBs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से इशूड डिजिटल गोल्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ रेट ऑफ रिटर्न। तो सोना ऑन एन एवरेज 9-10-11% का रिटर्न दे चुका है ओवर अ 20-30 ईयर पीरियड। तो आप मान के चल सकते हैं कि इतना ही औसतन आपको मिलता रहेगा इन द फ्यूचर। सो इट्स नॉट बैड, लेकिन वेरिएबल है। तो एफडी जैसा नहीं है कि फिक्स मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, डिपेंडिंग ऑन डिमांड, डिपेंडिंग ऑन सप्लाई। द बेस्ट थिंग अबाउट SGBs इज सरकार इस रेट ऑफ रिटर्न के ओवर एंड अबाउट 2.5% जोड़ देती है। तो वो बोलती है जितना भी आपको गोल्ड का रिटर्न मिलेगा उस पे 2.5% एक SGB का रिटर्न भी आपको मिलेगा। सो यू टेक्निकली कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 12-13% ऑन अ SGB एज अ इंटरेस्ट रिटर्न। हर SGB का एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। अगर उस मेच्योरिटी पीरियड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना है। सो दिस इज वेरी वेरी टैक्स फ्रेंडली। एंड SGB जो है ना वो मार्केट में एक तरीके से ट्रेड भी होते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स। तो आप किसी भी पॉइंट पे SGB खरीद सकते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट से इशूड नहीं होगा, वो सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट कर रहा होगा। बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मे बी 5-7%। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप डायरेक्टली जब इशू होते हैं ये SGBs तब सरकार से खरीदें, या सेकेंडरी मार्केट में एज अ शेयर नहीं आता है बट टेक्निकली एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट उसको खरीदें। बात सेम ही होगी बिकॉज द ओनरशिप विल ट्रांसफर टू यू एंड यू विल देन बी द रिसिपिएंट ऑफ दैट SGB मैच्योरिटी। तो ये थे मेरी नजर में वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो आप सीनियर सिटीजन के लिए, यंग पेरेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए चूज कर सकते हैं। आप जिंदगी में खुद कहाँ हैं या आपका परिवार कहाँ है, उसी के बेसिस पे इन गवर्नमेंट स्कीम्स में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या और भी ऑफ कोर्स टू इंश्योर दैट यू गेट रिस्क फ्री और रिलेटिवली लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स विद द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।